हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। शाम का नमस्कार। अभी शाम के बज रहे हैं, लगभग लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। और हमने मार्केट की तरफ का थोड़ा सा रुख किया था। वैसे तो मुझे ज़्यादा काम था नहीं, लेकिन पद्देव जी जा रहे थे तो हमने सोचा चलो भाई हम भी थोड़ा सा घूम आते हैं, मनान हो जाएगा। बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपना आप घर पे रह लेते हैं, तो हम और ये इनको कुछ लेना होता है या फिर मुझे कुछ लेना होता है तो हम सब साथ में चले जाते हैं। और इससे ना होता क्या है कि थोड़ा सा मनान भी हो जाता है, घर से निकलना हो जाता है, और घर की जो चीज़ें नहीं होती हैं अपने मन से अपने हिसाब से लेके चले आना होता है। तो ऐसे तो आज साग सब्ज़ी ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस चटर पटर थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी घर की, नमकीन वगैरह चाय से खाने वाली, बच्चे ही ये सब खाते हैं, हम सब तो खाते नहीं। ब्रेड लाए थे, दही दूध लाए थे और रिफाइंड ख़त्म हो रखा था उसको लाए थे। इस बार महीने में ग्रोसरी का सामान आया ही नहीं क्योंकि पतिदेव को छुट्टी मिलती नहीं है। एक दिन संडे की छुट्टी मिलती है तो उनका कुछ ना कुछ काम, इनका मिलना उनका मिलना हो जाता है। तो महीना जो है ना ख़त्म होने वाला था, तो हमने सोचा चलो जो थोड़ा बहुत सामान नहीं है उसको ले आते हैं। और सुबह का टाइम है, अभी वॉक पे निकल चुके हैं। हालांकि मन तो नहीं होता है वॉक पे जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता, आदत छूट चुकी है, लेकिन हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत ही चले जाते हैं वॉक पे। और यहाँ पे टहलने आओ इतना अच्छा लगता है ना, रात के अंधेरे में भी दिन जैसा उजाला हुआ रहता है, इतनी सारी लाइटें लगी रहती हैं। और आज ना बहुत अच्छा लगता है टहल के। कभी कभी कमर वमर इतना दर्द होता है, बाद में पता चलता है कि वॉक करने की वजह से दर्द होता है। जब भी आप अपना वजन कम करें, वेट लॉस जर्नी करें, तो आप सिर्फ खाने पीने पर कंट्रोल, कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो वजन घटेगा। वजन घटेगा तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, चाहे वो स्किन कहीं की हो, हाथ की हो, फेस की हो, कहीं की भी स्किन हो, वो लूज हो जाएगी। इसकी वजह से ना आप थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगेगा। तो इसकी वजह से आपको डाइट के साथ साथ थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। जब हमने डाइट शुरू की थी ना, तो हमने बहुत ही मतलब एक तगड़ी वाली, जिसको कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जुम्बा डांस होता है, उसको हमने ट्राई किया था। मतलब 5-6 महीने लगातार हमने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, 5-6 महीने लगातार हमने एक्सरसाइज किया था। हालांकि वो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा मतलब बेकार सी लगती है, किसी के सामने आप उसको नहीं कर सकते। मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था जब बच्चे घर से स्कूल जाते थे ना, तब मैं अपना एक्सरसाइज बंद कमरे में करती थी। लेकिन हाँ, जैसे भी करके हमने अपना वजन कम कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा वजन था, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर डाइट करें तो डाइट के साथ एक्सरसाइज व्यायाम आप ज़रूर थोड़ा बहुत करें। अब तो मेरी वॉक होती है, वॉक पहले भी होती थी लेकिन एक्सरसाइज भी होती थी, वॉक एक्सरसाइज दोनों करती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने एक गिलास गर्म पानी चढ़ा दिया, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी ना, हमने सोचा चलो इसमें डाल देते हैं पानी में। और गुलाब ऊपर से क्या कहते हैं, गुलाब जल फेस पे लगाओ तो ग्लो करता करता है, लेकिन अगर इसको पानी में डाल के पियेंगे ना, तो आपकी जो भी अंदरूनी कहते हैं ना, वो निखार आएगा मतलब गुलाब की पत्तियों से। अब गुलाब घर में होते हैं ना पेड़ में, तो ऐसे जब लगता है अब गिर जाएंगे ज़मीन में, तो उन पत्तियों को तोड़ लाती हूँ। और जब तक 5-6 दिन तक गुलाब खिले रहते हैं, तब तक खिले रहते हैं। कई बार आप लोगों के कमेंट आया था ना, पहले गुलाब तोड़ के लाते थे, भगवान जी को चढ़ा देते थे, लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों का कमेंट आया कि आप गुलाब या फिर फूल ना तोड़ें। तो हमने सोचा चलो भाई फूल खिले रहने देते हैं, अच्छा तो लगता है देखने में। तो उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हमने सोचा चलो दूसरे ग्लास में इसको ठंडा ठंडा करके पीते हैं। यहाँ पे कंबल ला के रखा था, हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए थे और हम सबकी गप सब बातें साथे चलती रहती हैं। जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो यहीं किचन में सब लोग बैठते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बातूनी हूँ, बातें करती रहती हूँ ना, तो इसकी वजह से मेरे पास सभी लोग, बच्चे, हस्बैंड रहना पसंद करते हैं। आप लोगों ने कई बार कहा तख्त क्यों रखा है, मुझे अच्छा लगता है किचन में तख्त रहता है ना, साग सब्जियां बैठ के पत्ते वत्ते तोड़ने में। अब देखो ऐसी साग सब्जियां होती हैं जिनको तोड़ने वोड़ने में घंटों लग जाता है, मटर छीलने में घंटों लग जाता है, तो इसकी वजह से तख्त पर बैठ के आराम से अपना काम करते हैं। तो बस चाय वाय सबको बना के दे देते हैं और बस स्नान कर लिया है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है। इस तरफ की दीवार जिस तरफ हम खड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इसमें सीलन रहता है और साल भर में इसकी पुट्टी पापड़ी जो भी होती है ना, सारा की सारा उखड़ जाती है। बच्चे घर पे ही हैं, देखिए आज कोई जल्दबाजी नहीं थी तो हम सुबह उठ के टहलने चले गए थे। जब जल्दबाजी होती है तो नहीं होता, एक तो आदत भी छूट चुकी है और दूसरी बात ये होता है ना, जब एक बार आदत छूट जाए ना, तो आदत बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए कोई भी आदत बन जाए ना, तो उसको छोड़े नहीं। और यहाँ पे बातें हो रही हैं, अच्छा बच्चों की छुट्टी है लेकिन हस्बैंड का ऑफिस है, तो वो ऑफिस जाएंगे, बस उनको पानी वगैरह दे देते हैं, चाय पी लेते हैं, खाना तो अपना दोपहर में ही खाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस में, जब उनको टाइम लग जाता है तो आके खाना खा जाते हैं। तो बस पूजा पाठ हो चुका है,
सेंधा नमक ख़त्म हो चुका था। सेंधा नमक आलस आलस में ना डिब्बे में डाल नहीं रहे थे, हम भी वही सफ़ेद वाला नमक खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आजकल आलसी हो गए हैं। जब अब जितना काम करते हैं ना, चलिए पहले इसको शेयर कर देते हैं, तब आप लोगों से बातें करते हैं। तो यहाँ पर सैंडविच बना रहे हैं। थोड़ी सी दही ली थी, दही को अच्छे से छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से गिर जाए। यहाँ पर हमने एक गाजर ली है छोटे साइज़ की, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, एक छोटी सी मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक डाल के इन सबको अच्छे से कर देना है मिक्स। आज पहली बार इसको ट्राई कर रहे थे, मतलब कि चलो देखें बना के कैसा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है कि नहीं। हमने देखा था यूट्यूब पे कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है सैंडविच। तो बस इसमें हमने लगा दिया है थोड़ा सा केचप, टोमेटो सॉस जिसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लगाया है ब्रेड के ऊपर, और ये जो सलाद वाला पत्ता आया था ना उसको भी निकाला है। तो बस इसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें एक तरफ हरी चटनी भी लगा सकती हैं। तो बस आज ट्राई करने के लिए हमने बनाया कि देखो कैसा लगता है खाने के बाद। खाने को तो मिला नहीं, इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। इसके दूसरे दिन भी हमने भी फिर से ट्राई किया था ये वाली सैंडविच, बहुत अच्छी है। पेट को आपके पेट को ना बहुत देर तक ये फुल रखेगा, जब आप इसको खाएंगे बहुत देर तक फुल रखेगा। आप इसको बनाइए, खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है और साथ साथ वेट लॉस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो ये सलाद वाला पत्ता रखा है इसके ऊपर से, दूसरा ब्रेड रखा है, अच्छे से इसको मतलब टैप टैप कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अब मेरे पास नॉन स्टिक पैन था नहीं, तो मुझे जुगाड़ लगाना था किस में बनाए, तो ये कढ़ाई नॉन स्टिक की थी। हमने सोचा चलो भाई इसको भी सेक लेते हैं इसी में। कढ़ाई हो तवा हो बात एक ही बराबर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना इसमें डाला है बटर डाला है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। और ये सेकने के बाद खाने के बाद ना बच्चों के आगे तो मुझे मिला ही नहीं, बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो बस एक सेक के निकाल लिया है, इस दूसरा वाला भी इसमें रख देंगे, सेक लेंगे। वैसे ब्रेड सेकने वाला टोस्टर आता है, लेकिन देखो कभी बनाते नहीं थे, खाते नहीं थे, तो मुझे पता नहीं होता था कि इतना अच्छा सैंडविच भी होता था। पहली बार अपने घर में ट्राई किए हैं और बनाए हैं, खाए हैं। पहले ब्रेड आता था तो बस ऐसे ही सेक के सब लोग खा लेते हैं। तो चलिए एक वाला कट करके पहले हम खाते हैं और बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद फिर से बच्चों को देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों को पसंद आएगा ये कच्ची सारी सब्जियां उब्जियाँ, बच्चे नहीं खाते हैं ना, मुंह बनाते हैं। लेकिन जब हमने बनाया ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर दूसरे दिन भी हमने बनाया, देखिए एक ही ब्रेड का स्लाइस लिया था, बाकी गोलू को बोला कि मम्मी मुझे दे दो, तो भाई बच्चों के आगे माँ कैसे खा सकती है, तो दे दिया। तो बस ब्रेड खाया और उसके बाद हाथ धुला, मुंह धुला, पानी तो पियेंगे नहीं। दोपहर के खाने की तैयारी में ढेर सारी प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, और जो हमने थोड़ा सा काजू रात को भिगो के रखा था उसको, और थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सबको डाल के ना अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा तेल डाला है एक चम्मच, बस एक चम्मच तेल में इन मसालों को भून लेना। आज बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। पनीर गए थे ना कल, लाए थे रात में ही गए थे, पनीर लाए थे जब मार्केट गए थे, रिफाइंड वफाइंड लेने, नमकीन लेने ना, तो पनीर भी दिख गए थे। हमने सोचा चलो पनीर भी लेते चलते हैं। और दो टमाटर हमने कट करके डाल दिए, इनको अच्छे से गलने देते हैं, सॉफ्ट होने देते हैं, और ये पनीर को कट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर चकले पर रखा है, फटाफट से पनीर की कटिंग कर लेंगे। जब मटर पनीर बनाए ना तो पीसेज थोड़ा सा छोटा रखें, और जब पालक पनीर बनाए तो पीसेज को बड़ा रखें। तो ये आधा किलो पनीर है, इसमें थोड़ा सा हमने बाउल में रखा है। दूसरे दिन हम बनाएंगे सैंडविच, और इसी टाइम पर अपने लिए भी तैयारी करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चावल लिया है, चावल को अच्छे से धुल लेंगे। ये ब्राउन राइस है, और इस बार ना ब्राउन राइस मेरे यहाँ जो आया है ये लंबा वाला आया है। छोटे वाले चावल तो ऐसे होते हैं ब्राउन ब्राउन, लेकिन ये जो बासमती है ना ये वाला चावल आया था। और यहाँ पे जो हमारा टमाटर है, प्याज है, ये सब अच्छे से ठंडा हो चुका था, इसको ग्राइंड में डाल के इसको पीस लेते हैं। ये बड़े वाले जो राइस होते हैं ना, रोज़ नहीं बनाते हैं, जब कभी पनीर उनीर बनता है तो भी बनता है हमारे घर में, या फिर मुझे अपने लिए बनाना होता है कुछ इसकी रेसिपी तो फिर बना लेते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ गया तो फिर बन जाता है। बाकी के नॉर्मल डेली वाले खाए जाने वाले चावल अलग होते हैं जो डेली बनते हैं। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पीस चुका था, और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा पनीर मसाला, थोड़ा सा ये सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी, ये सारे मसाले डाल देंगे। और सारे मसाले जो डालेंगे ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मतलब एकदम कम कम। थोड़ी सी कसूरी मेथी निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा जीरा निकाल ले रहे हैं यहीं पे, ताकि ये मसालेदानी बंद करके रख सकें। तो यहाँ पे कढ़ाई वही सेम चढ़ाई है धुल करके, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी तड़के में डाल दो ना, तो उसका बढ़िया सौंधा सौंधापन आता है। और जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको डाल दिया। तेल हमने कम ही डाला है, मसाले को भी बहुत कम भूनना पड़ेगा इसको, और तेल भी कम लगेगा जब हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जार दिखा रहे हैं, जार में बहुत सारा मसाला होता है, तो इसको आप धुल के ज़रूर सब्ज़ी में डाल दें। मटर छील के रखी थी, उसके दाने हमने यहाँ पर डाल दिए हैं,
और मसाले के साथ साथ मटर के दाने भी पक जाएंगे बहुत ही आसानी से। बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें और इसको ढक देंगे पकने के लिए। मसाले भी भुनते रहेंगे और मटर भी पकती रहेगी साथ में। और ये वाला मसाला ना ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से भुना होता है। और यहाँ पे भगोने में गर्म पानी डाल दे रख दे रहे हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि जो भी ग्रेवी में हम पानी डालते हैं गर्म ही होता है। जब तक हमारी मटर ग्रेवी पक रही है, पानी पक रहा है, तब तक हम चावल को कुकर में रख देते हैं। इसी टाइम पे ना जब हम किचन में आते हैं तो अपने लिए थोड़ी बहुत तैयारियां करते रहेंगे। बाद में जब सबके लिए खाना बन जाता है तो फिर अपना मन नहीं होता। तो थोड़ा सा घी डाला है, पानी डाला है और इसको बस ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पे हमारी मटर अच्छे से पक चुकी थी, तो ये पनीर, चाहे तो आप पनीर फ्राई करके डाल दें चाहे या फिर कच्चे डाल दें। जब आप कच्चे पनीर डालें तो ऐसे डालें ना कि आप जब कलछी चलाएं तो आपके पनीर में टच ना हो, किनारे किनारे से चलाएं, नहीं तो आपके पनीर जो है ना फूट जाएंगे, एकदम से टूट के बिखर जाएंगे। तो बस आप पानी डाल दें थोड़ा सा, इसको जार पहले धुल के डाल दें अच्छे से। जितना भी इसमें मसाला हो ना पूरे तरीके से इसको धुल के निकाल लें, एक भी मसाले वेस्ट ना करें। मेरी आदत होती है ना किचन का कोई भी, चाहे वो खाने की चीज़ हो, का कोई भी एक, मतलब कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, बहुत ही मतलब संभाल के। या फिर कुछ पुरानी यादें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे आदत है सिरज के रखना, संभाल के रखना। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी में पानी ऐड कर दिया, नमक पहले ही डाला था तो पकती रहेगी। बस चावल चढ़ा देते हैं और चावल सब्ज़ी दोनों पकते रहेंगे साथ साथ में। यहाँ पे आटा गूंथ लेते हैं। आटा वही होता है जो मिक्स आटा लाए थे ना, वही आजकल चल रहा है, जो नवरत्न लाए थे पतंजलि का, बहुत ही बढ़िया होता है। हालांकि इसकी पतली पतली रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, थोड़ी सी मोटी रोटियां बनाओ तो अच्छी बनती हैं। बनने को तो आप पतली रोटियां बन जाती हैं, लेकिन मोटी रोटियां अगर गर्म गर्म खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी। थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। लग रही है ना टिम टिम, बढ़िया, बिल्कुल भी इसमें ना ज़्यादा तेल है ना ही ज़्यादा मसाला। तो चलिए अब आटा गूंथ लिया है, थोड़ा सा अपने लिए खीरे का रायता बना लेते हैं। अगर मुझे मतलब ये होता है ना कि बाद में हो जाता है कि आलस लगने लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खीरा लिया है, थोड़ी सी गाजर ली, इन सबको कद्दूकस कर लिया, दही थोड़ा सा लिया है, भुना हुआ जीरा ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ी सी सेंधा नमक ऐड कर देंगे। आप काला नमक, सेंधा नमक, दोनों में से कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। और हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची ऐड कर दिया, और जो हमने खीरा और गाजर कद्दूकस करके रखा था उसको ऐड कर दिया। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हालांकि दही कम लग रही है, थोड़ा सा दही हम और डाल देते हैं इसके ऊपर से। तो थोड़ा सा दही और मिक्स कर दिया है, बनके हमारा खीरे का रायता डन है। चलिए रोटी फटाफट से बना लेते हैं, सबको खाना लगा लेते हैं, और सब लोग खा लेंगे ना तो एक बार किचन से फुर्सत हो जाएगी। और सबके खाने वाने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो सबको खाना खिला दिया है, मटर पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद वलाद तो मेरे घर में सब खाते नहीं हैं, ऐसा लगता है। मुझे भी कहते हैं सब लोग, क्या मम्मी खाती रहती हो, कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है खाने दो, तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वो तुम लोग खाओ। भाई मैंने मना थोड़ा ही किया है कि तुम लोग ना खाओ, तुम लोगों के लिए हम बना देंगे, अपने लिए अलग से बना लेंगे। तो बस थोड़े मोड़े बर्तन जो हुए थे सबके खाने पीने के बाद उनको निकाला है, और खाने पीने के बाद अपने लिए थाली लगाई है। थोड़ा सा चावल लिया है, ढेर सारी मूली ली है, थोड़ा सा हमने सोचा पनीर भी ट्राई कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा तेल तो नहीं था, तो हमने सोचा चलो भाई पनीर खा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बनी थी, जहाँ से ये पनीर लाते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए उस दिन गए थे तो दिख गई, तो मैंने पनीर ले लिया। और थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा रायता, थोड़ा थोड़ा सब्जी डाल के मिक्स करके अच्छे से खाएंगे। और बहुत ही बढ़िया सब्जी भी बनी थी, रायता तो हमारा फेवरेट है, ये खीरे का रायता, बूंदी का रायता, लौकी का रायता, रायता बहुत तरीके से होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिटिया रानी और पिताजी टीवी देख रहे हैं, गोलू अकेले खेल रहे हैं, अभी तक गौरी खेल रही थी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई कब हो जाती है ना, गौरी और गोलू की 1 मिनट भी नहीं पड़ती। और शाम के टाइम बस खाना पीना सबने खाया, बर्तन धुल दिया है, दूध गर्म कर दिया है, 2 टोकरी भर के बर्तन निकले थे। हेलो एवरीवन, गुड नाइट, कैसे हैं आप सभी लोग, राधे राधे। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, सबका खाना वाना हो चुका है। शाम से हमने मतलब दोपहर के खाना खाने के बाद अभी को कैमरा उठ रहा है मेरा, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी बातें भी नहीं की, क्योंकि ब्लॉग हमने शूट ही नहीं किया, घर में पूरा फैला हुआ था, थोड़ा बहुत जो काम बाकी था लकड़ी का वो होने लगा, और दीवान साफ सफाई करने लगे हम और पांडे जी मिलके, तो पूरा घर फैल गया था। तो फिर कैमरा, जब बहुत ही ज्यादा काम फैल जाता है, पूरा घर ऐसे सारा सामान बिखर जाता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता वीडियो क्या शूट करें क्या दिखाएं। तो ये होता है कि चलो अब थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा सारे सामान रख दिए जाएं, तो फिर दिमाग थोड़ा शांत होता है। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, और वो जो शीशा वाला लगा था ना, क्या श्रृंगारदान, वो थोड़ा साफ सफाई करने लगे,
और साफ सफाई का काम चलने लगा था। 3:30 बजे से साफ सफाई का काम शुरू हुआ था, 6 बजे जाके खत्म हुआ। और 6 बजे दूध लेके आए, कुकिंग किया, रोटी बनाई। शाम के टाइम आप लोगों को पता ही है बहुत ही हल्का हमारे यहाँ बनता है, सभी लोग वही खाते हैं। तो मैं तो दूध रोटी गुड़ ही खाई थी, बाकी सब लोग पनीर की सब्जी बनी थी। सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं, सबने सब्जी रोटी और थोड़ा सा चावल बचा था वो खाया। बाकी रोटी बनाई थी उस टाइम पे, दूध कुछ बनाया भी नहीं था, तो फिर हमने सूट भी नहीं किया। चाय वाय बनाई थी 2 बार 3 बार, लेकिन कुछ मन नहीं हुआ सूट करने का, थकान बहुत ज्यादा लग चुकी है। चलेंगे सोएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा खींचेंगे नहीं, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, और हाँ अपना वजन कम करते रहें, 32 बार जमा के खाते रहें। बस यही कहेंगे, हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, माँ काल की कृपा बनी रहे। बाय।